Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the HUM TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. सुनहरी चाँद को कालक लगी है। तो सीधी और सच बात ये है कि वो मीरब से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तभी मैंने कहा था कि अब मंगनी हो गई है, जब तक शादी नहीं होती उससे मत मिले। तो अम्मी मैंने भी तो आपको समझाया था कि इन दोनों की एक हफ्ते में शादी कर दें। गुजर चुका है तुम्हारा वक्त, मजीद तुम्हारे साथ रहकर खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहती मैं। साइन करो इन पेपर्स पे। प्लीज। अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन ना किया तो पूरी दुनिया को चीख चीख के बता दूंगी कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। खैरियत तो है ना बेटा? नहीं बाबू, खैरियत नहीं हो। आमिर से लड़कर आई हो? सारे ताल्लुक खत्म करके आई हूँ। नेकलेस लेके आया था उसके लिए एक, बस वो उसे पसंद नहीं आया इस वजह से। अल्लाह, भाभी को कौन समझाए? इतना अच्छा शौहर हो तो इस तरह की बातें नहीं करते। पर अगर मेरी जगह वो तुम्हारा शौहर होता तो। ये कैसा सवाल है? बताओ ना, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन होने का ख्याल नहीं रखना तो बड़े होने का मान तो रखे ना आप। अभी आपने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। ये क्या हालत बना लिया आपने अपनी? कुछ पता राहेल कहाँ है? तो तुम जानती हो कि वो कहाँ है? कहाँ है? फहाद के दोस्त की एक फैमिली है, वो लोग अब वहीं काम कर रहे हैं। मुझे मिलवा दोगे उससे प्लीज? अभी आप मिलके क्या करेंगी? माफी मांगूंगी उससे, मैं भी तो गुनहगार हूँ ना उसके। नहीं आपी, आप गुनहगार नहीं है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आमिर भाई गुनहगार। फारिया तो मुझे चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि आमिर ने किया, मैंने उसका यकीन नहीं किया। यकीन तो आप ही उसका किसी ने भी नहीं किया, ना आपने ना अम्मी अबू ने और ना ही दुआ ने। मोहब्बत करता था वो दुआ से, इसी मासूम मोहब्बत के पीछे ही तो वो जेल में गया। और आमिर भाई अपनी वहशत लजा मोहब्बत की वजह से आज भी आजाद घूम रहे। आमिर बेटा, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। अरे बेटा, तुम डर क्यों रहे हो? उससे जैसे पहली बार आए हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जब तुम फरहत के लिए रिश्ता लेने आए थे ना, तब भी ऐसे ही डरे। तब तुम्हारी वालदा भी हयात थी और जमाल जी। फरहत कहाँ है? बेटा वो ऊपर अपने कमरे में। आमिर बेटा पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हूँ मैं? कुछ भी नहीं। बेटा फरहत गुस्से की तेज जरूर है लेकिन तुमसे बहुत प्यार करती, हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती। यूं लगता है जैसे अभी नई नई तुम्हारी शादी है। मुझे पहले ही पता था ये जरूर फरहत ने कुछ किया होगा। तुम तो कभी भी उससे नहीं लड़ते। बेटा सब कुछ ठीक हो जाए। जी मैं मिला हूँ फरहत से। कैसी हो फरहत? मेरा पता करने आए हो या अपने होने वाले बच्चे का? अरे हाँ, ये बच्चा तो तुम्हें चाहिए ही नहीं था। ये रिश्ता मजबूत करने का शौक तो सिर्फ मुझे था। ऐसी कोई बात नहीं, गलत लग रहा है। गलत लग रहा है मुझे। झूठे साबित हो चुके हैं तुम। तुम्हारे सब दावे झूठे साबित हो चुके हैं। बताओ क्या करने आए हैं? सारे मसाइल का हल निकाल। दुख हल कर दूंगी ना मैं। मैंने कहा है तुम दुआ को संभालो, बाकी सब जिम्मेदारी मैं हैंडल कर लूंगी। इतना हौसला है मुझ में कि मैं अपनी छोटी बहन को अपनी सौगन बना सकूं। शौक नहीं है मुझे लेकिन हौसला है। हाँ लेकिन मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। मुझ में इतना हौसला नहीं है। हौसला नहीं है तुम्हें? हिम्मत नहीं है तुम्हें? उसकी ज्यादती करते हुए तो तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई। फरहत वो हादसा था। हादसा नहीं था, प्लान था। वो सोचा हुआ था, तुमने सब कुछ सोचा था। मेरी बहन रोती रही और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम हमारे साथ खुद को ढूंढते रहे, तुम हमारे साथ मुजरिम को ढूंढते रहे, तुम हमारे साथ खुद को ढूंढते रहे। पागल हो गई हो तुम। पागल हो गई मैं। फरहत मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम इस मामले को आराम से प्यार से भी सॉल्व कर सकते। फरहत क्या राय है आपसी मामला? हम ही हमारा आप जाए यहाँ से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस तरह चिल्ला रही थी तुम? ऐसी बात करती हूँ मैं, ऐसे बोलती हूँ। फरहत कैसे बात कर रही हो तुम? बेटा तुम नीचे जाओ, मैं आती। जाओ यहाँ से। सुन लिया करो एक बार। फरहत तुम्हारा बाप मरा है, माँ भी जिंदा है। कोई बात है तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं अम्मी, आप जाए उसके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने शौहर के साथ इस तरह बात करने? हिम्मत किसी में नहीं होती अम्मी, जुर्रत किसी में नहीं होती। उसने हिम्मत दिया मुझे। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारी फैमिली मुकम्मल होने वाली है, तुम्हारा रोज रोज का ये रोना धोना बंद हो जाएगा, लेकिन तुम तो ज्यादा ही बदमिजाज हो गई हो। क्योंकि अम्मी फैमिली तो नहीं बन रही ना मेरी। अरे बस ये फलसफाना गुफ्तगू अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं आपको। नहीं सुनेंगी। अगर आइंदा तुमने ये हरकत की ना तो आमिर के सामने तुम्हें जलील करने से पहले सोचूंगी नहीं। कभी नहीं देखेंगी आप। चुप हो जाऊं, आखिरी बार कर रही। कैसे हैं आप? ठीक। इतना रूखा सा ठीक? खैर, तुम कैसी हो? आकर देख लें कि मैं कैसी हूँ। नहीं यार, मैं आज ज़रा मसरूफ़ हूँ और वैसे भी घर पे आना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो घर आने के लिए कौन कह रहा है? तो फिर ये कि मेरी बर्थडे है, तो हम होटल में गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं, दुआ भी होगी। नहीं फारिया, मैं नहीं। हैरत है, जब मैंने दुआ से कहा कि आप भी आ रहे हैं तो वो तो झट से मान गई। क्या वाकई? जी। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके। मेरा नहीं दिल कहीं जाने का, मैं नहीं जाऊंगी। भाई दुआ यार, ये क्या बात हुई है? सालगिरह फहद की है, मेरा क्या काम है वहाँ पर? यार फहद से आज तक इस घर में कोई भी नहीं मिला। आज उसकी सालगिरह है ना, मैं इसी बहाने तो मैं मिलवा भी दूंगी। मेरा मिलना इतना ज़रूरी क्यों है? पता है उसने कितनी बार मुझसे शिकवा किया कि मैंने अपने घर में उसे किसी से भी नहीं मिलवा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। मत घसीटो मुझे, नहीं जाना, दिल ही नहीं है यार। चलो ना, फहाद बहुत खुश होगा तुम्हें देखकर, हम एंजॉय करेंगे ना। यार मुझे नहीं जाना, अपने कमरे में जाओ, मुझे तंग कर रही हो तुम। अच्छा तुम जो बोलोगी ना मैं वो करूँगी, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मैं तुम्हारे पाँव भी छू रही हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई? चलो ना प्लीज। अच्छा पक्का? पक्का, ऊपर। लव यू। मैं जाके तैयारी करती हूँ। जाओ यहाँ से। I'm sorry. किस बात पे भाई? अपने झूठ के लिए और गलत बयानी के लिए। पहले क्यों नहीं मान रहे थे? बस यार वो गलती हो गई ना, हम सॉरी। ठीक है, मैंने तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब हम एक नहीं हो सकते कभी। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि मैं एक ताकतदार लड़की हूँ और बकौल तुम्हारे तुम एक बाकेदार लड़की डिजर्व करते हो। Listen to her. That was a slip of tongue. Slip of tongue? Slip of tongue नहीं था, तुम्हारी सोच थी जो तुम्हारी जबान से अदा हो। और ये शादी तुम मेरी मोहब्बत में नहीं कर रहे, हमदर्दी में कर रहे हो। क्या हो गया तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? बढ़ा नहीं रही, अब तो मैं खत्म कर रही हूँ। वैसे फारिया, जब कभी हमारी इस तरह लड़ाई हो जाएगी तो क्या कोई हमारे लिए भी इस तरह कोशिश करेगा? हमारी कभी लड़ाई होगी ही नहीं। जाने दो, जैसे मैं तुम्हारे मिजाज को तो जानता ही नहीं, और जैसे मैं तुम्हें नहीं जानती। किस कदर चिड़चिड़ी हो जाती हो तुम, जानता हूँ। और अपने बारे में क्या ख्याल है? जरा सा फोन उठाने में देर हो जाए तो आसमान सर पे उठा लेते हो तुम। हाँ तो देर हो ही क्यों, अब सारा दिन इंसान अपना फोन साथ लेकर तो नहीं घूम सकता ना। वैसे फारिया, शायद हम अभी लड़ने लग गए। हम नहीं तुम। अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा मुझे लगता है चलना चाहिए, शायद अब तक सब कुछ ठीक हो गया होगा। उम्मीद तो है। लेट्स गो। नहीं लेकिन तुम अभी भी कह रही हो। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या दुआ लग तुम? मैं झूठ बोल कर लेकर आई थी मुझे। क्या हुआ दुआ? तुम्हें घर जाकर पूछो। अच्छा पूछ लेना, अभी मीरा भाई से तो बात कर लो। रहने दो फारिया प्लीज। जो लोग अना और खुददारी के नशे में डूबे हुए होते हैं ना, वो किसी की क्या बात सुनेंगे। और जो लोग अपने आप को बहुत नेक समझते हैं ना, वो दूसरे को नीच और घटिया ही समझते हैं। मीरा भाई क्या हुआ है? कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तो आप उसे प्यार से समझाते ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने समझाने की कोशिश नहीं की होगी? अच्छा आप यही रुके, मैं उसे बुला के लाती हूँ। रहने दो, पहले बहुत गुस्से में, फिर कभी बात कर लेंगे। हम क्या करने आए थे और क्या हो गया? कोई बात नहीं फारिया, परेशान मत हो। तुम जाके दुआ को देखो। अब तुमने अगर मुझसे गलत बयानी की ना, तुमसे बात करना ही बंद कर दूंगी और यही हाल है इसका। क्या हुआ है? मेरी बात तो सुनो। आप रहने दे। अब तुम भी कुछ बोलोगी? झूठी बोलूंगी मैं आपसे। क्या करेंगी सुन के? पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में। अम्मी, कुछ और भी हुआ है क्या घर में? डरा दिया आपने। एक बात पूछूं तुमसे? प्लीज फिर से ऐसी वैसी बात नहीं पूछिएगा। तो अगर मुझे कुछ हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बोलने दो दुआ मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को लावारिस मत छोड़ना। क्यों होगा आपके साथ कुछ? हाँ, मेरी अम्मी से बात हुई है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप ऐसी बेहिम्मत हो रही हैं। हाँ अच्छा, मुझसे तो अम्मी कही थी कि मुझ में बहुत हिम्मत आ गई है। खैर ये बच्चा तुम ले लेना तो। अच्छा आप ये चाहती है ना, मैं ले लूंगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने कमरे में जाएं और आराम करें। हाँ आमिर से शादी भी कर लोगी तुम? क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? फर्ज करो ना दुआ, फर्ज करो कि मीरब तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे की खातिर तुम आमिर से शादी कर लोगी? देखो ड्रामा में भी तो ऐसे होता है ना। लेकिन जिंदगी ड्रामा नहीं है, हम का फसाना तो है। बोलो दुआ। मैं क्या बोलूं? आपकी सारी बातें अगर फर्ज करो से शुरू हो रही है, उनका जवाब नहीं है मेरे पास। दुआ मेरी बात के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल गरीब हो गई हूँ। तो ऐसी बातें करनी क्यों है? क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं होता। क्यों पप्पू जैसी बातें कर रही हैं आप? कि तुम मुझसे बाधा जो नहीं कर रही हो दुआ। मेरी जिंदगी में मीरा बाकी है, आपसे कोई वादा नहीं कर सकती। मीरा तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया। सुनहरी चाँद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी क्यों फोन कर रही हो फरहत? बहुत मनाने की कोशिश की है मैंने दुआ को। फारिया है ना, वो मीरा पर दुआ को मिलाना चाहती है। तो ठीक है, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ करने की? वो जो करना चाह रही है उसे करने दो। कि मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की। किसको? दुआ को, आपके लिए। फरहत, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। फिक्र ना करे, मैंने आपका नाम नहीं लिया। तुम कुछ मत करो फरहत, खुदा के लिए कुछ मत करो। इतना फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन मैं तो मदद करना चाहती हूँ ना आपकी। तुम नहीं करो ना मेरी मदद, मैंने तुमसे मांगी है। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा। 3 साल से लगे हुए तो मैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तुम कुछ कर सकती हो मेरे लिए? जी। तो ऐसा करो कि तुम मर जाओ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को लावारिस मत छोड़ना। क्यों होगा आपके साथ कुछ? हाँ, मेरी अम्मी से बात हुई है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप ऐसी बेहिम्मत हो रही हैं। हाँ, आमिर से शादी भी कर लोगी तुम? क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? फर्ज करो ना दुआ, फर्ज करो कि मीरब तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। मेरे बच्चे की खातिर तुम आमिर से शादी कर लोगी? देखो, ड्रामा में भी तो ऐसे होता है ना। लेकिन जिंदगी ड्रामा नहीं है, हमका फसाना तो है। फरहत बेटा, फरहत ना टाइम हो गया बेटा, उठो। फरहत बेटा, नाश्ता कर लो, उठो मेरा बच्चा। फरहत, 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 फरहत बेटा, फरहत बेटा, फरहत बेटा, फरहत बेटा। Farhat! Farhat! अम्मी। हाँ अम्मी इधर आए। हाँ हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ, सब्र करो। हाँ क्या हुआ? फरहत नदी की डेथ हो गई। कब हुई? एक हफ्ता पहले। और तुम मुझे बता रहे हो? खुद अभी पता लगा है अम्मी, फहद के दोस्त ने बताया। अगर मुझको पहले पता होता तो मैं उनके जनाजे में शरीक हो जाती। आपकी हिम्मत होती दोबारा वापस वहां जाने की? जाती, क्योंकि भारत की भी बहुत अच्छी थी। वो तो अपने बिया के कहने में आके कुछ गलतियां कर बैठी थी। मैंने उन्हें दिल से माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो। दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं था अम्मी, वो वाकई अंधेरे में थी। पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई? नहीं अम्मी अभी पता नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है उनकी मौत नहीं हुई। क्या मतलब है? मुझे लगता है उनका कत्ल हुआ। राहिम खुदा के वास्ते मेरे ये हाथ देख रहे हो जो तुमने पहले भी हाथ ना, तो हम मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई थी। अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे, किसी के लिए कुछ नहीं बोलोगे। वो ऊपर बैठा है ना, हमारा इंसाफ करेगा, इंसाफ करेगा। मैंने अपना इंसाफ उस पर छोड़ दिया, तुम कुछ नहीं बोलोगे, चुप रहो, चुप रहोगे, नहीं बोलोगे ना, किसी के लिए नहीं बोलोगे, कसम के नहीं बोलोगे। मेरी कसम मैं नहीं बोलूँगा। आप परेशान नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, आप आ जाए मेरे साथ, आप बैठे इधर। मेरी बच्ची, अभी तो उसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। बस कर दे अम्मी, फरहत आपी के इंतकाल को एक हफ्ता हो चुका है। खुद को संभाले, अब हमें उनके बगैर ही रहना होगा। अभी तो जमाल का गम नहीं भूला और जवान बेटी का गम दिल पे आ लगा। काश काश उसकी मौत की जगह मुझे मौत आ गई होती। अगर किसी की जगह किसी को मौत आती तो अब्बू की जगह मैं मर जाती। फरहत मेरी बच्ची, इतना बड़ा गम क्यों देगी अपनी माँ को? शायद हमारी तकदीरों में यही लिखा था, पहले बाबा का गम और अब फरहत आपी का। कितनी खुश थी मेरी बच्ची, कितनी खुश थी मेरी बच्ची कि वो माँ बनने वाली, उसकी जिंदगी की हर खुशी पूरी हुई। लेकिन सब अचानक। फरहत आपी बच सकी, ना ही उनका बच्चा। मेरी बच्ची, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को लावारिस मत छोड़ना। क्यों होगा आपके साथ कुछ? हाँ मेरी अम्मी से बात हुई है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप ऐसी बेहिम्मत हो रही हैं। हाँ ये बच्चा तुम ले लेना। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? फर्ज करो ना दुआ, फर्ज करो कि मीरब तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे की खातिर तुम आमिर से शादी कर लोगी? फिर मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं आपकी खुशी के बीच में आना नहीं चाहती। तलाक चाहिए मुझे आपसे। क्या हो गया तुम? आज के दिन इस मौके पर ये किस किस्म का मजाक कर रही हो तुम? मजाक तो आपने बनाया है मुझे पिछले 3 सालों से। मेरी बात को यकीन करो फरहत, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। साइन करवाएं मेरे पेस पे। माँ को पाना चाहते हो ना, जाओ पालो उसे। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली फहाद आमिर भाई हमारी जिंदगियों से निकल गए हैं। हाँ ये तो है, अब उनका कोई रिश्ता नहीं रहा तुम लोगों से। मगर फहाद, इन सब के लिए फरहत बाजी ने कुर्बानी दी है। मुझे भी यही लगता है फारिया कि उनकी इसी कुर्बानी ने तुम लोगों को आमिर भाई से निजात दिलवाई है। मुझे फरहत बाजी के जाने का बहुत दुख है, अगर मुझे इस बात की भी खुशी है कि आमिर भाई हमारी जिंदगी में नहीं है अब। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आंटी कैसी हैं? बस ठीक हैं वो। नहीं फारिया, वो बज़ाहिर ही ठीक होंगी। मैं जानती हूँ फहाद कि वो ठीक होने की एक्टिंग करती हैं। बाबा के जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी, और फिर फरहत बाजी के जाने के बाद तो। और उनके लिए दोनों ही दुख बहुत बड़े थे फारिया। और पता है, दुआ की शादी के बाद तो पुप्पो भी अपनी बेटी के पास कनाडा चली जाएंगी, फिर तो अम्मी और मैं बहुत अकेले हो जाएंगे। और तुम्हारी शादी के बाद तो बिल्कुल ही। मगर फहाद, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। घर जमाई बनाने का सोच रही हो? हाँ तो कुछ दिन तुम घर जमाई बन जाना ना, और कुछ दिन मैं बहू बन जाऊंगी। फारिया, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जवानी की मौत का क्या दुख होता है, इससे ज्यादा अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता है। और मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता इस बात का। मीरब के अब्बू भी मुझे जवानी में ही छोड़कर चले गए थे। आपने तो ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी होंगी। जब अल्लाह मियाँ कोई मुसीबत देता है ना, तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत भी दे देता है। खैर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बात को शुरू कैसे करूँ। नहीं नहीं, आप खुलकर बात कर सकती हैं। दुआ और मीरब की शादी के कार्ड्स छप गए हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन अब हम दुआ की शादी जल्दी नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी है। नहीं आंटी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मौतगी के दिनों के बाद तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। लोगों का आना जाना, मिलना मिलाना, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ा। अब आमिर भाई इतने दुखी थे, जाहिर सी बात है उनकी वाइफ की टच हुई। सारी मोहब्बत थी दोनों में। उनको देख के यही नजर आता था। फैमिली भी कंप्लीट होने वाली थी। किसी को क्या पता था कि उनकी फैमिली अधूरी हो जाएगी। अब्बू के लिए तो फरहत भी बेटे की तरह थे, मजबूत, ताकतवर, सिरा मुश्किल से घबराने वाली। जरा से कॉम्प्लिकेशन को उन्होंने इतनी कि वो अपना सर पे चढ़ाया, टेंशन ली, पता नहीं टेंशन से बहुत कोई गले लगा लिया। मौत का वक्त में खड़ा रहता है। कुछ बादशाहों को एक ना एक दिन इस दुनिया से तो जाना ही है, तो इसलिए कहते हैं कि इंसानों को जिंदा लोगों और जिंदा पलों का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मोहब्बतें दें और मोहब्बतें बांटें। मुझे दिलासा दो, मुझे तसल्ली दो, मैं भूल जाऊं कि मेरी वापी आप नहीं रही, आप नहीं। इससे बढ़कर दिलासा और सहारा नहीं है मेरे पास तो। इसे कबूल कर लो।